बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में या लैक्टेट में विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसमें हमारे पास एटीपी और एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं हमारे पास ब्रेन सेल्स में और इसके अलावा ऐसे सेल्स में जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। इसमें हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स हैं और रीनल मेडुला वगैरह। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ग्लूकोज जो होता है डिफरेंट स्टेप से होता हुआ एट द एंड पाइरूवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। अब पाइरूवेट में उस वक्त कन्वर्ट होगा जब हमारे पास एरोबिक कंडीशंस होंगी, प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास एनएरोबिक कंडीशंस होंगी तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टेट और लैक्टेट जो है इसके आगे फर्दर फर्मेंटेशन होगी जिसके बाद हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो पाइरूवेट होता है पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एसिटाइल को ए में जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते। तो हम चलते हैं आगे ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं जो कि 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट या लैक्टेट में विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एट द एंड हमारे पास एटीपी और पाइरूवेट या लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के क्या फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसमें हमारे पास जो होता है ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, वो एज अ सोल सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी के तौर पर काम कर रहा होता है इनटू डिफरेंट मैमिलियन टिश्यूज और सेल टाइप्स, स्पेशली ब्रेन सेल्स जो कि हमारे पास ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये मेजर पाथवे के तौर पर काम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द सेल्स विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। इसमें हमारे एरिथ्रोसाइट हैं, रीनल मेडुला, इसके अलावा ब्रेन और कॉर्निया, लेंस एंड स्पर्म सेल्स। अब हम देखते हैं जो कुछ प्लांट टिश्यूज होते हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च को, जैसा कि पोटैटो ट्यूबर्स हैं और हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स, वो ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से। इट मीन ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन इन प्लांट्स ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी गेन कर रहे होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। अब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है बॉडी के हर सेल में हो रहा होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारे पास साइटोसोल में ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। साइटोसोल जो होता है ये लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास साइटोसोल में तमाम वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की टाइप्स। दो टाइप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस की, एक है एरोबिक और दूसरी है एनएरोबिक। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस वो वाली होगी ग्लाइकोलाइसिस जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तमाम जितने भी रिएक्शन हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे होंगे, तो हमारे पास उस ग्लाइकोलाइसिस को हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, जिसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो पाइरूवेट होता है और वो जो पाइरूवेट है वो प्रोड्यूस करता है एरोबिक कंडीशन में एसिटाइल को ए को। एसिटाइल को एक एंजाइम है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ऐसी ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस के तमाम तर स्टेप्स जो होते हैं जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हों, तो एट द एंड हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या होगी, लैक्टेट होगा। अब लैक्टेट जो है उसकी एनएरोबिक फर्मेंटेशन होगी जिसके जरिए से हम डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे इनटू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ताकि हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें एटीपी एट द एंड हम प्रोड्यूस करवा। अब हम देखते हैं पाथवेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना इसके दो मेन फेज होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है हमारे पास पे ऑफ। प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप हो रहे होते हैं ग्लूकोज के और 5 ही स्टेप्स जो है पे ऑफ फेज में। अब हम देखते हैं जो हमारे पास प्रिपरेटरी फेज होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज इसलिए हम बोल रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें हम एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी यूज हो रही होती है प्रिपरेटरी फेज में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर यूज इन दिस फेज। इसके अलावा हम पे ऑफ फेज जो है तो हम बोलते हैं एनर्जी जनरेशन फेज। इसमें इस फेज में हमारे पास एनर्जी जनरेट हो रही होती है, स्टेप नंबर 10 में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसके अलावा हमारे पास स्टेप नंबर 6 में हमारे पास एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब हम आगे इन चीज़ों को जो है ना डिटेल से देखें। अब हम देखते हैं जो हमारे पास 4th स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसी की वजह से हमने इसको ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया, क्योंकि वो उसमें हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही होती है और स्प्लिटिंग मीन लाइसिस। ग्लूकोज को जो है ना हम
ग्लूकोज की लाइसिस कर रहे होते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, और इसी फोर्थ स्टेप की वजह से हम ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है ना पहले स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एटीपी हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन है। और ये रिएक्शन इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम जो कैटलाइज कर रहा होता है, वो होता है हेक्सोकाइनेज। अब हम देखते हैं काइनेजेस क्या होते हैं। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास, जिनकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है, और वो कैटलाइज किस चीज़ को कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप को, ठीक है, एटीपी से। अब हम देखते हैं हमारे पास जो होता है हेक्सोकाइनेज ये प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में, ये एंजाइम जो है मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसको हम जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे बना सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि रिवर्स है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें हमारे पास यही इसी स्टेप को हम रिवर्सिबल किस तरीके से बना सकते हैं, बाय यूजिंग द एंजाइम दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम को हम यूज करेंगे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है ना ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है इसमें हमारे पास ये कन्वर्जन हो रही होती है। इसके बाद थर्ड स्टेप की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है ये फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक एंजाइम है जो कि फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज जो कि इसको रिवर्सिबल बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास ऊपर था फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट और नीचे जो है हमारे पास ये क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और एक कार्बन नंबर 6 के साथ। इट मीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2-फॉस्फेट ग्रुप्स। अब ऊपर तो हमारे पास एक था, तो दूसरा जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमने एटीपी से, इसमें हमारे पास दोबारा से एटीपी एक और यूज हो गया, और इसीलिए हम इस फेज को बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें हमारे पास हम एटीपी यूज कर रहे हैं, हमारे मसल सेल से एटीपी यूज हो रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है ना एटीपी हमारी बॉडी से यूज हो रहे होते हैं, और डिफरेंट एंजाइम्स जो है ना उनकी मदद से ये चेंज हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। अब हम देखते हैं जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है, इसमें हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज, और इसके अलावा इसके साथ हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की भी प्रोडक्शन हो रही होती है। अब हम देखते हैं हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज ट्रायोज फॉस्फेटेज आइसोमेरेज। तो पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल था ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, और ये भी जब कन्वर्ट होगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाए। अब हमारे पास पे ऑफ फेज जो है ना स्टार्ट हो रहा है। हमने पहले 5 स्टेप देखे, जिसमें हमने प्रिपरेटरी फेज को देखा, इसमें हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में एटीपी को यूज किया, हमारी बॉडी से एटीपी को हमने यूज किया। तो हमने क्या चीज देखी, पहले ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, 6 कार्बन नंबर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ जब फॉस्फेट अटैच होगा, ये देखिएगा इसमें, तो वो ये वाला जो फॉस्फेट है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास हमारी बॉडी से जो एटीपी यूज हो रहा है वहां से आ रहा है। इसके अलावा स्टेप नंबर 3 में हमने क्या देखा, फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हमारे पास एक जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप पहले था जो कि कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच था, और अब जो दूसरा होगा हमारे पास फॉस्फेट जो एटीपी की मदद से हम लेंगे, एटीपी से लेंगे, वो हमारे पास कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन चलते रहे। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रिपरेटरी फेज को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पे ऑफ फेज। जब हमारे पास 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो 5 स्टेप्स के एंड पे हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल तो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो गया था इधर हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जब कन्वर्ट हुआ था ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो दूसरा जो है ना हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल वो जो है हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना ये कन्वर्ट हुआ था ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट
आइसोमेरेज। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन हो रहा होता है। इसमें हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा होता है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। और जिधर भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ATP या NADH की प्रोडक्शन होगी। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ NAD ये प्रोड्यूस होगा, ये कैसे प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है NAD की जिससे NADH प्रोड्यूस हो रहा है और ये भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं हमारे जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना ग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जब ये कन्वर्ट होगा ये था बिस फॉस्फो और ये फॉस्फो में कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स एक फॉस्फोरस जो है ना वो यहाँ से चला गया और वो कहाँ चला जाएगा, वो ADP के साथ कन्वर्ट होकर ATP बनाएगा। अब ये दो मॉलिक्यूल से तो 2 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना इसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए जो कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में हो रहे थे। और ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 7 जो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, ये एक पहला स्टेप है जिसमें हम ATP को प्रोड्यूस करवा रहे थे। अब हम देखते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इसके बाद जो हमारे पास है फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज की प्रेजेंस में ये होगा। इसके बाद हमारे पास फॉस्फोफिनोल पाइरोवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरोवेट में, इधर से फिर जो है हमारे पास फॉस्फो इनोल ये खत्म हो जाएगा तो पाइरोवेट में कन्वर्ट होगा, तो इसमें हमारे पास जो फॉस्फेट होगा वो ADP के साथ कन्वर्ट होकर हमें ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन जो होता है ये पाइरोवेट काइनेज जो है ना इसको कैटलाइज कर रहा होता है और इसमें हमारे पास ये सेकंड स्टेप है जिसमें हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास स्टेप नंबर 7 है इसमें 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में ये हमारे पास। चलिए अब हम देखते हैं इसके पे ऑफ फेज को दोबारा से, इसमें हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हुआ 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब हमारे पास जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज। फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कन्वर्ट होगा पाइरोवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरोवेट काइनेज। ये हमारे पास थे एट द एंड हमारे पास पाइरोवेट की प्रोडक्शन होगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरोवेट। अब हम देखते हैं जो कैटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरोवेट है वो कैसे होता है। हमारे पास ग्लूकोज से पाइरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने। अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, लैक्टेट में, और फिर लैक्टेट से आगे फर्मेंटेशन की मदद से हम जो है ना एनर्जी गेन करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास अगर हमारे पास हाइपोक्सिक कंडीशन हो, हाइपोक्सिक कंडीशन मीन इफ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, उस वक्त हमारे पास क्या होगा, ये जो पाइरोवेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें हमारे पास फर्मेंटेशन ऑफ एथानोल यीस्ट में हो रही है, इस तरीके से फिर हम एनर्जी गेन करते हैं। अब हमारे पास है पाइरोवेट, अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो हमारे पास एसिटल को ए होगा जो कि सिट्रिक एसिड के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा और इस तरीके से ये रिएक्शंस कैरी ऑन। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, इसमें हम देखेंगे ये देखिएगा हमारे पास ग्लूकोज जो है ना ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास पाइरोवेट में। ये हमने देखना है ग्लूकोज 10 स्टेप्स होंगे इसमें डिफरेंट, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ होंगे। इसमें हमारे पास जो है ना स्टेप नंबर 1 अगर हम देखें, इसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास एक फॉस्फेट हम ऐड कर रहे हैं, वो ऐड हम कहाँ से कर रहे हैं, ATP से। इसीलिए हम इस जो है ना इस वाले फेज को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें हम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और एट द एंड जो है इन्हीं रिएक्शंस को यूज़ करके हम एनर्जी को पे ऑफ कर रहे होते हैं, इसके अलावा एनर्जी जो है ना गेन कर रहे होते हैं। इस तरीके से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में। अब बिस्फॉस्फेट में 2-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होंगे, एक जो होगा वो कार्बन नंबर
वन के साथ होगा और दूसरा कार्बन नंबर सिक्स के साथ। और वो जो है फॉस्फेट कहाँ से आएगा, हमारी बॉडी में जो एटीपी प्रेजेंट है वहाँ से आएगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और 3 जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का भी एक मॉलिक्यूल होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, जो कि जब उनकी ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन होगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड, और इसके साथ हमारे पास NADH की प्रोडक्शन होगी। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास जो होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूस होगा विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP, और इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस होगा। इसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरोवेट प्रोड्यूस होंगे इसके दो मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद ATP की प्रोडक्शन के साथ पाइरोवेट के दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद हमने देखा था कैटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरोवेट। पाइरोवेट जो होता है इसका फेट क्या होता है, इसमें अगर हमारे पास हाइपोक्सिक कंडीशन होगी तो ये एथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जिसमें हमारे पास फर्मेंटेशन ऑफ 2 एथानोल इन यीस्ट में एथानोल की जो है फर्मेंटेशन हो रही है। इसके अलावा एसिटल को ए प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास एरोबिक कंडीशन होगी, जो कि सिट्रिक एसिड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस तरीके से लैक्टेट प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास एनएरोबिक कंडीशंस होंगी, और फर्मेंटेशन होगी लैक्टेट की जो होगी फर्मेंटेशन, वो हमारे मसल्स में हो रही होगी, एरिथ्रोसाइट्स में हो रही होगी, इसके अलावा दूसरे सेल्स में, और फर्मेंटेशन होगी तो हम जो है ना ATP को प्रोड्यूस करेंगे और ATP को यूज़ करेंगे।